मैं कंवर सिंह लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि है राम मंदिर को लेकर और उस पर मोदी जी ने कौन सा बयान दिया है, आइए आपको बताते हैं। उससे पहले दिल से दरखास्त है कि इस बड़ी खबर को अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह पे वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो ताकि लोग इस बड़ी खबर के बारे में जान सकें और चैनल को इसी वक्त करते चलो सब्सक्राइब सबसे बड़ी अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। बात करते हैं बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि ये जो विवादित ज़मीन है वो राम लला की है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि विवादित ज़मीन राम लला की है। इसके बाद से कुछ दलीलें जो जजों के सामने रखी गई थी, पहली दलील ये थी कि जो बाबरी मस्जिद बनाई गई थी उसमें जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया था उसमें मंदिर के भी ईंटें लगे थे, जो कि बहुत ही बड़ा सबूत था मंदिर के लिए। जी हाँ, ये पहली दलील रखी गई थी जजों के सामने। आज दूसरी बार सबसे बड़ी दलील ये रखी गई थी कि यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि बाबरी मस्जिद खाली ज़मीन पे नहीं बनाई गई थी, उससे पहले वहाँ पे किसी का निर्माण हो चुका था। जी हाँ, ये ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट का। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि मुस्लिम पक्षकारों को 5 एकड़ की ज़मीन प्रदान की जाएगी। जी हाँ, लेकिन 5 एकड़ की वैकल्पिक ज़मीन, ध्यान दीजिएगा ये जो वर्ड है वैकल्पिक, इसका ये मतलब होता है कि मंदिर तो वहीं बनेगा लेकिन मस्जिद वहाँ पे नहीं बनेगा, मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ की वैकल्पिक ज़मीन प्रदान की जाएगी कहीं और बनाने के लिए, मस्जिद कहीं और बनाने के लिए 5 एकड़ की ज़मीन दी जाएगी। ठीक है, इस पर मोदी जी का बयान ये है कि आज फैसला आ चुका है, राम लला के पक्ष में फैसला आया है। इस पर नरेंद्र मोदी ने दिया बहुत ही बड़ा बयान और कहा है कि ये किसी की हार किसी की जीत नहीं हुई है, ये एक लोकतांत्रिक देश है। वहीं दूसरी ओर हम सबको संयम बना के, धैर्य बना के अपने धैर्य का परिचय देना है और कि यहाँ पे किसी की हार और किसी की जीत नहीं हुई है, तो आराम से शांति का माहौल बनाए रखें, कोई भी गलत अफवाह मत फैलाइए और हम सब का एक लोकतांत्रिक देश है तो आगे आइए, साथ दीजिए, हम सब का साथ दीजिए और धैर्य बनाए रखिए। कोई भी जश्न न बनाइए और कोई भी जश्न उल्लास, कोई भी शोक ना बनाइए, आराम से रहिए, शांति से रहिए और आराम से रहिए। ऐसा कहना है नरेंद्र मोदी का, किसी की हार किसी की जीत नहीं हुई है।